गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इज प्रीति भंडारी व्लॉग्स। और आई होप कि सब ठीक होंगे और आपके प्यार और महादेव की कृपा से हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो, अभी हो रहा है सुबह 11 बज चुका है, सुबह नहीं है। और देखो हम लोगों ने कितने सारे छत में कपड़े धो रखे हैं। इधर कपड़े एक तार, दो तार, तीन तार, चार तार, पाँच तार, और नीचे भी पूरे कपड़े। इसके इधर भी बालकनी में कपड़े। आज पूरे छत में, पूरे गुड़गांव में ऐसा लग रहा है पूरे सब में कपड़े सुखा रखे, क्योंकि क्या है कि जो बारिश है अभी थोड़ा कल रात से नहीं हुई है बारिश, इसीलिए सारे लोगों ने आज कपड़े आज ही धो दिए। लग रहा है पूरे छतें सबकी कपड़ों से भरी पड़ी है, अलग धो रखी है एकदम। और अभी वैसे मौसम अभी बारिश का भी बन ही रहा है, अभी थोड़ा साफ हुआ था। सुबह सुबह जब धूप आती है ना सुबह, तो उसके बाद बारिश आती है, तो सुबह धूप निकल गई थी, लेकिन अभी बारिश हो सकती है क्योंकि बूंदाबांदी हल्की जो ऐसे ओस जैसी बूंदे होती है ना, वो अभी गिर रही है, तो बारिश हो सकती है। और जो हमारे कल परसों के कपड़े हैं अगर सूख गए होंगे, मैं उन्हें अंदर डाल दूँ। आपकी छतों में कपड़े दिख रहे हैं आज तो, ये सब की छत में। और मौसम भी देख रहे हो कैसा पूरा काला हो पड़ा है, यहाँ पे काला ऐसे बारिश आने का मौसम हो रखा है बिल्कुल ये। और एक बात तो है, अगर बारिश आ जाए ना, क्लियरिटी कितनी यहाँ है ना, पॉल्यूशन की वजह से वो बिल्डिंगें दिखती नहीं थी, वो सामने वाली बिल्डिंग। वैसे दूर नहीं है, ज़्यादा नज़दीक ही है, इधर हम घूमने जाते हैं इधर की साइड को, तो ये सारी बिल्डिंगें हैं और अभी पूरी क्लियर दिख रही हैं। बारिश हो गई ना पूरा, ये इस साइड को भी पूरी क्लियर दिखने लगी बिल्डिंग है, इस साइड को भी पूरी क्लियर दिखने लगी, पूरी फ्लैट वगैरह है। और यहाँ पे भी देखो कितने सारे, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी पूरे कपड़े सुखा रहे, आज दिख ही नहीं रहा। इधर भी कपड़े उधर भी कपड़े सारे। यहाँ पे हमारा बन चुका है चावल और ये बन गई है कढ़ी, और पकौड़े जल गए हैं क्योंकि थोड़ा पकौड़े तेल गर्म हो गया था ज्यादा। और काशी देखो पकौड़े खाए जा रही है यहाँ पे बैठे बैठे पकौड़े। काशी क्या कर रही हो तुम, पकौड़े खा रही हो यहाँ पे बैठे बैठे, ये देख रहे हो खाने में लगी है, तब से दो पकौड़े खा गई है लड़की बैठे बैठे यहाँ पे। फाइनली आ गई है धूप। चलो अंदर भैया, छींक आ रही है, धूप आ गई, छींक आ जा रही है। काशी छत में जाना है, खाना वाना खा लिया हमने और मैं छत में आई हूँ क्योंकि ये पैदन कासू ने गीला कर दिया, पानी गिरा दिया तो उसे सुखाने के लिए। देख रहे हो कितनी तेज लग रही है, हाय आंखें नहीं खुल रही है। हम अध्यापन करें ना कि जब दियो आओ बादल फुटिया घाम लग गए, बादल फुटिया तो वैसी घाम लग गया भैया, बहुत तेज रहा नहीं जा रहा है। पे अंकल जी ने काम कर रखा भैया, ये पूरी मिट्टी बिछा रखी है, इसका खाद बना रहे हैं और इसमें कुछ बोएंगे, वो पूरा मैं बना रखा था ड्रमा भी, इसी में ही कुछ बोएंगे अंकल जी, कुछ नया पौधा कुछ, या बाल्टी वो बाल्टी सारे में क्या करते हैं वो ना, जो इनका ये लौकी के जो भी साग सब्जी हम छीलते हैं, छिलके वगैरह, भात वगैरह और चाय पत्ती पत्ती, तो ये सब लोग फेंकते नहीं है, ये इसका कंपोस्ट खाद बनाते हैं, तो वही ये यूज़ करते हैं इसके लिए, तो जिससे कि अच्छे से पेड़ पौधे होते हैं। और कासू के कपड़े सूख गए हैं, इनको ले आती हूँ, तो अभी इतने ही कपड़े सूखे हैं फिलहाल, ज़्यादा कपड़े नहीं सूखे हैं, हल्के गीले हैं, तो उनको दूसरी बारी आऊँगी तब ले जाऊँगी। देखो कैसे कर रहा है। तो अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी और हम जा रहे हैं मार्केट के लिए, मैं और आंटी नीचे, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू है माता रानी के बर्थ, तो कल फास्ट होगा हमारा, मेरा और काशी के पापा, हम दोनों ही फास्ट रखते हैं। और कल तो वैसे भी मंडे है, तो इसीलिए भी हम फास्ट रखते ही हैं सोमवार का। तो अभी हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए, मैं और आंटी की बर्थ का सामान लेके आएंगे, कुछ फल फ्रूट वगैरह और माता रानी का। तो चलते हैं मार्केट के लिए, आपसे मिलते हैं बाद में आके, क्या क्या लाए हैं। क्या कर रही हो तुम, ये डॉगी बन गई, अब कासू डॉगी बन गई है। क्या कर रही हो, टीथ, कासू के टीथ कहाँ है, टीथ ये है टीथ, कासू के टीथ, कासू की नोजू कहाँ है, हाँ नोज तो बताओ कहाँ है आपकी नोज। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे मार्केट से, मतलब मैं मंडी से सब्जी वब्जी लेके, और काशवी ने अपने पापा को परेशान किया, परेशान क्या था अपने पापा को,
घर में? दीदी घर पे। और भाई साहब मंडी में इतना कीचड़ हो रखा है, इतना कीचड़ जो कि यहाँ के गुड़गांव की सबसे बड़ी मंडी है अनाज मंडी, कभी मैं आपको दिखाऊंगी मंडी है। अभी तो इतना कीचड़ था, पूरा पाँव ऐसे हो गए ना कीचड़ के मारे, पूरा कीचड़ ही कीचड़ था कसम से, पूरा हालत खराब हो गई। और इतनी भीड़, एक तो कल नवरात्र है उसकी वजह से भी भीड़ भी हो जाती है मार्केट में, तो अभी फूल वगैरह भी नहीं ला पाए, तो सुबह ही लाएंगे फूल। अभी नारियल लाए हैं, चुनरी लाए हैं और फूल वगैरह आम के पत्ते वगैरह कल ही लाएंगे सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि अभी पत्ते हम छांट रहे थे लेकिन वो मतलब किसी में छेद था किसी में कुछ था, तो हमारा मन ही नहीं किया लाने का ना उन्हें, तो इसीलिए हम नहीं लाए वो पत्ते वगैरह। वैसे तो हमने सोचा कि कल सुबह ही लाएंगे और फ्रेश फूल, और बारिश की वजह से फूल की माला उन्होंने बना रखी है लेकिन वो ऐसे गंदी गंदी सी हो गई है, मतलब मैं मुरझा सी गई है, काली काली सी हो जाती है ना जैसे भीग जाती है, तो वैसी हो गई थी, इसलिए हम फूल माला वगैरह नहीं लाए हैं। ये काट रहा है गंदे बीवी। देखो कितने सारे भुट्टे लाए हैं भैया हम, ये 2 किलो से भी ज्यादा होंगे, 2 किलो भुट्टे हैं ये, क्योंकि वो दे रहे थे, लोटा पानी पी लेती हूँ। भुट्टे पूरा, क्योंकि 15 रुपए किलो दे रहे थे भुट्टे मस्त से, तो इसलिए हम 2 किलो ले आए 30 के। हमने सोचा तो चीला वीला बना लेंगे इसीलिए, और भुट्टे भी अच्छे हैं खा भी लेंगे, एक दो पका लेती हूँ अभी। और ये लाई थी केले, केले भी भैया महंगे दे रहे हैं आज, 50-60 रुपए दर्जन, तो ये केले हैं, केले लेके आए हैं। और लेके आई हूँ क्या, और ये 2.5 किलो आलू लेके आई हूँ, चुनरी वगैरह जो कि मैंने मंदिर में रख दिया है, वो पूजा का सामान सीधे मंदिर में आके रख दिया है, तो इतना ही सामान था। और मेरे 10 रुपए भी खो गए हैं, मैंने उसको 10 रुपए दिए, उसको 10 रुपए खो गए मेरे। तो आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए एक दूसरे को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और काशु ने देखो लोटा वो कर दिया है, पानी गिरा रही हो तुम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच एंड बाय।